नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेकहेल। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक डार्क सेंसर ऑटोमेटिक स्विच सर्किट है और दोस्तों ये एक बिल्कुल ही अलग टाइप का एक डार्क सेंसर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक IRF3205 MOSFET और एक 1M रजिस्टर। उसके बाद इस 1M रजिस्टर को हम MOSFET के गेट पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 1N4007 डायोड। उसके बाद दोस्तों, अब हमें डायोड का ऊपर का जो कैप है, इस कैप को हम आधा ऐसे तोड़ देंगे। इससे दोस्तों डायोड का अंदर का पोर्शन बाहर की तरफ ऐसे निकल आएगा। उसके बाद डायोड के इस पॉइंट को हम मॉस्फेट के सोर्स पॉइंट के साथ और इस पॉइंट को मॉस्फेट के गेट पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों, यहां पर हम LDR के जगह पे इस डायोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डायोड यहां पर लाइट को सेंस करेगा। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 4 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस 1M रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम MOSFET के सोर्स पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये दो तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का दो तार। उसके बाद बाकी दो तार हम MOSFET के ड्रेन पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों, ये दो तार के साथ हम एक 4 वोल्ट लाइट कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक डायोड का इस्तेमाल करके उससे एक डार्क सेंसर सर्किट अपने घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।